चलो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक नई रेसिपी जो कि छोटे बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी, जिन्हें डिज़र्ट्स पसंद है वो उनको बहुत अच्छी लगेगी, और इन शॉर्ट जिनको चॉकलेट्स पसंद है ना उनको बहुत अच्छी लगेगी। तो हमारे पास घर पे ना बहुत बार ऐसा होता है कि लेफ्ट ओवर रोटी बच जाती है, मेरे पास भी बच गई थी ये देखो। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक नई चीज़ बनाएंगे जो कि बहुत ईजी है, और जिनको मीठा नहीं पसंद ज़्यादा टेंशन मत लो, आपके लिए भी एक दूसरी रेसिपी मैं जल्दी शेयर करूँगी थोड़े दिन में। तो यहाँ पे मैंने बीच में एक कट दे दिया है हाफ साइड से, और फिर उसके बाद ली है मैंने दो चीज़ स्लाइसेस। आप चाहो तो वैसे इसको स्किप भी कर सकते हो। तो चीज़ स्लाइसेस मैंने ली है अमूल की, हमें बहुत ईजिली मिल जाती है मार्केट में। आप चाहो तो दूसरी भी कोई चीज़ है आपके पास मोजरेला चीज़, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप इज़ चॉकलेट्स। तो आपकी जितनी भी फेवरेट चॉकलेट्स आपके पास पड़ी है ना, सब बाहर निकाल दो। यहाँ मैंने क्या क्या निकाला है मैं बताती हूँ। किट कैट, डेरी मिल्क, जेम्स एंड चॉकलेट शॉर्ट्स। इसमें से आपकी कौन सी फेवरेट है, और अगर नहीं है इनमें से कोई फेवरेट तो आपकी है कौन सी चॉकलेट फेवरेट, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो ले ली डेरी मिल्क, और उसको मैंने इस तरीके से तोड़ के अपने हाफ 1/4 पार्ट में उसे रख दिया। फिर उसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट किट कैट, आई लव किट कैट। तो यहाँ पर हम एक पार्ट में डालेंगे किटकैट चॉकलेट, और ये जो है वो है जिसके अंदर ऐसे 4 स्टिक्स होती है, इसको मैं इस तरीके से रखूँगी और थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा और फिर वो इसके अंदर पूरा फिट आ जाएगा। अब हमने डेरी मिल्क और किटकैट रख दिया। अब नेक्स्ट टू साइड पे हम क्या रखेंगे, एक में हम रखेंगे जेम्स और एक में रखेंगे चॉकलेट्स। अगर आपके पास इनमें से कोई नहीं है तो आप दूसरी भी चॉकलेट जो भी आपकी फेवरेट है आप उसे रख सकते हो। इवन आई लाइक मंच टू, मिल्की बार एज वेल। तो जो भी आपकी फेवरेट चॉकलेट है ना आप वो यूज़ करो। यहाँ पे मैं जेम्स रख रही हूँ एक साइड पे, एकदम कलरफुल चॉकलेटी जेम्स, और फोर्थ साइड में हम रखेंगे चॉकलेट शॉर्ट्स। यप, आप मुझे कॉमेंट्स में बताओ अगर आपको चूज़ करना हो ऐसे 4 चॉकलेट्स चूज़ करने का, या कुछ भी डिज़र्ट चूज़ करने का पैकेट फूड में जो आप इसमें डाल सकते हो, तो आप कौन सी 4 चीज़ें चूज़ करोगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने तो ये चारों चीज़ें डिसाइड करी है, देखते हैं कि सबको क्या क्या अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा, हो सकता है आपको इन्हीं में से ही ज़्यादा पसंद हो। उसके बाद इसको भी मैंने स्प्रेड कर दिया अच्छे से, जेम्स को भी अच्छे से सारी जगह स्प्रेड कर देंगे, ये नहीं कि एक जगह पर ज़्यादा और दूसरी जगह पर नहीं, ठीक है। अब आप ये जो साइड वाला चीज़ है ना, इट्स डन, ये साइड वाला चीज़ है ना, आप चाहो तो इसको अंदर की तरफ नीचे से फोल्ड कर सकते हो, नहीं तो ऐसे वेस्ट क्यों करनी है चीज़, यू नो आई फॉरगॉट। तो अब हमें क्या करना, रैप करना है, इस रैप की तरह बनाना है इसे, तो हम इसे फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। मैंने एक साइड फोल्ड करा, हमने हाफ कट तो कर रखा था ना, याद है स्टार्टिंग में करा था। तो इसी तरीके से हम चारों साइड से इसको इस तरीके से पूरा फोल्ड कर लेंगे। अब कितना बढ़िया लग रहा है। अब आप चाहो तो इसको ऐसे भी खा सकते हो, पर क्योंकि ठंड है तो गरम गरम खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। आप इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हो, आपकी चॉकलेट पता है मेल्ट हो जाएगी और वो और भी अच्छी लगेगी। नहीं तो आप ऐसे ही पैन के अंदर, तवा के अंदर हल्का सा बटर डाल लो, और ये ना थोड़ी थोड़ी बाहर से क्रिस्पी क्रिस्पी सी हो जाएगी और बहुत टेस्टी लगेगी। यहाँ पे तो ना इसका कलर हल्का सा चेंज होगा, जैसे बटर से होता है वैसे नहीं, चीज़ जैसे हो जाता है वैसे, ये देखो, क्योंकि मैं चीज़ अंदर डालना भूल गई थी ना। तो आप इसको ये भी टेस्टी लग रहा है, ऐसे भी कर सकते हो, पर आप उसको अंदर ही डाल लो। फिर उसके बाद अब रिज़ल्ट दिखाते हैं आपको, ये देख रहे हो, माइक्रोवेव करोगे तो चॉकलेट मेल्ट भी हो जाएगी, वो भी बहुत अच्छी लगी, ऐसे भी बहुत अच्छी है, ये देखो क्या बढ़िया चीज़ है ना ये। इसे ट्राई करके देखो, बहुत डिफरेंट है, बहुत अमेजिंग है, और शेयर करो उनके साथ जिनको ये पसंद आएगी। मेरे तो इनफैक्ट मोम को भी बहुत पसंद आई, मतलब मोस्टली उन्होंने इसे खाया तो क्या, टेस्ट छोटा सा ही है, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इसको ट्राई करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ट्राई करने के बाद कि आपको कैसा लगा। इसका कॉम्बो वैसे बहुत अच्छा है जो मैंने बताया, ट्राई करो और फिर बताना कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, और जिनको मीठा ज़्यादा नहीं पसंद ना उनके लिए मैं दूसरी रेसिपी भी जल्दी से अपलोड करूँगी 1-3 डेज़ में, और वो भी बहुत अच्छी लगी आपको। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।